हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडम्बो शॉर्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। तो इसका हम ट्रिक बताए थे मोनोसियस का, PCM, P for Pinus, C for Cara and M for Monoecious। तो इसका आंसर हो जाएगा B, C for Cara, ठीक है। NCERT में भी दिया हुआ है और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है पपाया, मार्केंसिया, साइकस, ये सब क्या है, डाइसियस प्लांट्स। ये मोनोसियस डाइसियस प्लांट का ट्रिक वीडियो भी है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसका दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरा लाइक सेलिजनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट आर नोन एज। तो जो प्लांट दो टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, ठीक, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। और ये जर्मिनेट होकर प्लांट में क्या बन जाता है, मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इसका एग्जांपल है दिया हुआ है सेलिजनेला एंड साल्विनिया। सो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग लिव्स फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यू व्हाट। इसका मतलब क्या है, तो कहने का है कि हमेशा के लिए कोई नहीं बचता है, सबको मरना गारंटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइफ चलते रहता है। तो कहने का मतलब है डेथ क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, मरना तो सभी को है, चाहे जैसे मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, बीमारी से मरे, चाहे जैसे, लेकिन मरने से पहले वो अपने जैसा इंडिविजुअल को छोड़ के जाता है थ्रू रिप्रोडक्शन एंड लाइफ कंटिन्यू, ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है, ओल्डर डाई बट न्यू प्रोड्यूस आर ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो ये सही है, पुराना मर जाता है और न्यू प्रोड्यूस होता है, कैसे, रिप्रोडक्शन से। तो ये तो सही है, नथिंग कैन बी प्रोड्यूस विदाउट डेथ, बिना डेथ के कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ये गलत है। डेथ हैज नथिंग टू डू विथ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, डेथ का कोई रोल नहीं रहता है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ रहता है, वो मरता है तभी तो अपना ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाता है, तो ये गलत है। पार्थेनोजेनेसिस इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत है, ये असेक्सुअल में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑप्सेट्स आर प्रोड्यूस बाय। तो ऑप्सेट्स तो वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होता है बाय माइटोसिस डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन से तो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो इसका आंसर हो जाएगा B, माइटोटिक डिवीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो इसमें पहला वाला नॉट, तो पहले नॉट को अंडरलाइन कर लेंगे, कुछ भी हो नॉट, कंफ्यूजन नहीं हो इसमें क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट चॉइस देखते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, तो ये सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, तो ये भी सही है। इन पोटैटो बनाना जिंजर द प्लांटलेट अराइज फ्रॉम इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम रहता है बट इंटर नोड नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ नोड रहता है, नोड, ठीक है, तो ये गलत है। वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ फिशेस, ठीक है। वाटर हाइसिंथ ये स्टैंडिंग वाटर में रहता है, उससे क्या होता है, ये पूरा पानी का जितना भी ऑक्सीजन रहता है खींच लेता है, और क्या होता है, उससे मछली मर जाता बिना ऑक्सीजन के। तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा C, ठीक है। पोटैटो कैसे प्रोपेगेट होता है, वेजिटेटिवली होता है ये, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम से। और बनाना जिंजर कैसे प्रोपेगेट होगा, विद द हेल्प ऑफ रिजियम से होगा, तो ये भी नोड से होगा,
तो पटेटो बिन पटेटो बनाना जिंजर तीनों नोड से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बाय मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो जैसे ही नॉट बोला तो पहले तो अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर करो। ये 2015 में पूछा गया था, तो इसमें मैचिंग देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, इसमें गलत देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है बाइनरी फ्यूजन सर्गसम, तो सर्गसम एक ये क्या है ब्राउन अलगे, ठीक है, और इस ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन से होगा, तो ये तो गलत है। कोनिडिया पेनिसिलियम सही, ऑफसेट वाटर हाइसिन रेज्यूम बनाना अभी तुरंत पड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रो, तो जिंजर में अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे बनाना जिंजर प्रोपगेट थ्रो राइजूम, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, मतलब ये सही इसमें कौन सा मैच है, ठीक है, तो ओनियन का बल्ब, ठीक है, तो ओनियन प्रोपगेट बाय बल्ब ये सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्रो बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम से होगा, ठीक है, तो ये सही है। जिंजर सकर, जिंजर का भी हम लोग पढ़े सकर नहीं होगा, रेज्यूम से होगा प्रोपगेशन, है ना। क्लाइमेडोमोनास ये तो अलगी है, इसमें तो कोनिडिया प्रोड्यूस होता नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट क्या है, ये एस्कोमाइसिट्स है, ठीक है, इसमें स्कोर प्रोड्यूस होता है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तो पहले रॉन्गली मैच्ड बोला है, पहले तो इसी को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलियम कोनिडिया, ये सही है। वाटर हाइसिंथ रनर, अभी हम लोग पढ़े वाटर हाइसिंथ का रनर नहीं, इसका प्रोपगेशन होता है ऑफसेट, ये रनर के जैसा होता है लेकिन इसका ऑफसेट हो जाएगा, तो ये गलत है। प्रायोफाइलम लीप बर्ड सही है, आगे बल्विन सही है, चारों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर कैसे होता है, रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड, सूट बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ ऑक्सिलरी बर्ड, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर बाय, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पिस्टिया में कैसा होता है, ये पिस्टिया को हम लोग बोलते हैं वाटर लोटिस, ठीक है, इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा ऑफसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट, मिंट का कैसे हो जाएगा, मिंट का हो जाएगा सकर, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आंसर हो जाएगा सी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अच्छे से रट लीजिए, एनसीईआरटी में पूरा साफ साफ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार देखिए, हर ईयर में ये रिपीट हुआ है, 2011, 12, 17, है ना, 9, सभी में ये रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2001 में ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन इज नॉन एज, तो रीजनरेशन क्या होता है, रीकंस्ट्रक्ट करता है, तो रीजनरेशन मेनली दो टाइप का होता है, ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है, रीकंस्ट्रक्ट कर लेता है होल बॉडी, ठीक है, फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल, मतलब छोटा सा सेल से ये होल बॉडी कन्वर्ट कर लेता है, और एपिमॉर्फोसिस बोलते हैं कि कोई भी बॉडी में लॉस्ट पार्ट है या इंजर्ड पार्ट है इसको रिप्लेस कर देता है एपिमॉर्फोसिस में। एपिमॉर्फोसिस में एग्जांपल हो जाएगा ऑर्थोपोडा। तो इसमें बोला गया है मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, मतलब लॉस्ट पार्ट जनरेट करके नया ऑर्गन बना ले रहा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एपिमॉर्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोडक्शन ऑफ अगेव अकर थ्रो, तो अभी हम लोग सेम क्वेश्चन पढ़े हैं इससे पहले, वेजिटेटिव प्रोपोडक्शन अगेव में कैसा हो जाएगा, बल्बिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बल्बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राफ्टिंग के ऊपर,
फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड साइकॉन इन क्राफ्टिंग इन विच वन इज फर्स्ट टू अकर। तो स्टॉक हो जाएगा रूट सिस्टम, ठीक है, साइकॉन हो जाएगा सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम को ही रूट सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं क्राफ्टिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दिया हुआ है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस, है ना, तो उसी को कैलस बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैलस सही है, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा ये गलत है, डिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यू वस्कुलर टिश्यू ये गलत है, रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दो जो 2019 में पूछा गया था। इन सम प्लांट द फीमेल प्लांट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेना इज नोन एज, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, और पार्थेनोकार्पी उसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलेंगे। तो ऑटोगेमी सिनगेमी होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ, ये 2018 में पूछा गया। तो ये लाइन एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ, बैम्बो स्पेसिस होगा, ये 50 से 100 ईयर में एक बार फ्लावर करता है और डाई हो जाता है। और जैक फ्रूट मैंगो पपाया ये क्या है, पॉलीकार्पिक फ्रूट है, ये मेनी टाइम्स फ्लावर फ्रूट देता है, ठीक है, और बैम्बो स्पेसिस मोनोकार्पिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ये 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी। तो मतलब ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी रहना चाहिए और वेरिएशन भी होना चाहिए। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, पार्थेनोजेनेसिस तो होगा नहीं, इसमें तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी होगा नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग, ठीक है, तो आइए देखते हैं पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, तो इसका हो जाएगा मतलब फ्यूज्ड पिस्टिल, ठीक है, एक जगह पिस्टिल फ्यूज रहता है तो सिनकार्पस इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसका ए का थ्री हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो ये तो जानते ही हैं, इसको गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, बी का वन हो जाएगा। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमासिड्स, तो ये डाइक्रियोटिक हो जाएगा, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमासिड्स डाइक्रियोटिक। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ये तो पिस्टिलेट हो जाएगा, और लास्ट में जो बचा वो मैच हो जाएगा, डी का टू हो जाएगा। तो आइए इसका मैच करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, तो आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं, सेपरेट मेल फीमेल फ्लावर होता है एक ही प्लांट पे, जिसको मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल आंसर हो जाएगा डी, कुकुम्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या जनरेट करता है, तो ये न्यू वेरिएशन जनरेट करेगा, है ना, विथ जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अभी ये 2016 में भी सेम क्वेश्चन किए थे, तो ऑप्शन देखते हैं न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, तो ये सही है। लार्ज बायोमास गलत है, लॉन्गर बिहेबिलिटी ऑफ सीड गलत है, प्रोलॉन्ग डोरमेंसी ये भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। म्योसिस टेक प्लेस इन, म्योसिस किस में होता है, तो गेम्यूल इसमें तो होगा नहीं, कोनेडिया में होगा नहीं, क्योंकि ये असेक्सुअल प्रोपोग्यूल है, इसमें तो म्योसिस होगा नहीं। मेगास्पोर, मेगास्पोर तो इसमें मेगास्पोर हेप्लॉयड है, ठीक है, तो ये तो म्योसिस का रिजल्ट के बाद आता है मेगास्पोर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका तो मियोसाइट होगा, इसी में सिर्फ म्योसिस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, मोनोसियस कहने का मतलब है कि प्लांट हैव
सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम ट्री, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम ट्री पे रहना चाहिए। तो इसका अभी हम लोग एनसीईआरटी में इसका साफ साफ दिया हुआ ट्रिक भी बताएं, पीसीएम, ठीक है, पी फॉर पाइनस, सी फॉर कारा, एम फॉर मोनोसियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, मार्केंसिया साइकस सीएमडी हम बताएं तो इसका ट्रिक, इस तो डाइसियस हो जाएगा, डेड प्लांट होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है मोनोसियस, तो सेम हो जाएगा इसका भी पाइनस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। पपाया साइकस मार्केंसिया, ये तो डाइसियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज बीबी पेरी एन अनडिजायरेबल करेक्टर फॉर एनुअल प्लांट। तो इसका ऑप्शन है इट रिड्यूस द वाइग्री ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का वाइगर खाने का मतलब है बढ़ने का क्षमता घटा देता है, तो ये गलत है। इट एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट, तो ये गलत है। द सीड एग्जिबिट लॉन्ग डोरमेंसी, लॉन्ग डोरमेंसी सीड तो नहीं हो सकता, ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं। द सीड कैनॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर नेक्स्ट सीजन, तो ये सही है, ठीक है। तो एनुअल प्लांट में क्या होता है ना, एक एक सीजन में वो कंप्लीट, एक लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर लेता, और बीबी पेरी में क्या होता है, मेच्योर प्लांट से, मतलब नेक्स्ट जो है मेच्योर प्लांट से सीड जर्मिनेट होता है और प्लांट बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीड कैनॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर नेक्स्ट सीजन, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2004 में पूछा गया था, इन ओगोमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स इन, ये 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में लाइन में साफ साफ दिया हुआ है, ए लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट एंड ए स्मॉल मोटाइल फीमेल गैमेट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब लार्वा से एडल्ट बन जाता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन में मतलब लॉस्ट पार्ट और इंजर्ड पार्ट ये सब रिप्लेस हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। और एजिंग बोलेंगे जिसमें प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होता है ना, किसमें होता है, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन ये सब में, तो उसको एजिंग बोलेंगे। और ग्रोथ बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर, तो इसमें इसको बोलेंगे ग्रोथ। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी मेटामॉर्फोसिस सीरीज ऑफ चेंज ऑफ लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्ट्रस साइकिल इज ए करैक्टरिस्टिक ऑफ, तो ओस्ट्रस साइकिल किस में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट एनिमल में पाया जाएगा, नॉन प्राइमेट मैमल में पाया जाएगा, लाइक काउ डैग, लाइक काउ डॉग, है ना। ओस्ट्रस साइकिल ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ओस्ट्रस बोलिए और या हीट बोलिए, है ना, जैसे काउ में 18 आवर के लिए होता है, है ना। और ह्यूमन एप पंकी में क्या होता है, मेंसुअल साइकिल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन फीमेल ओनली नहीं, मैमेलियन फीमेल अदर देन द प्राइमेट, ह्यूमन फीमेल मेल, मैमेलियन मेल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैमेलियन फीमेल अदर देन द प्राइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन, तो स्पायरोग्रिया, नॉस्टॉक, इलोथ्रिक्स, बॉलवैक्स, है ना। तो स्पायरोग्रिया, इलोथ्रिक्स, बॉलवैक्स क्या है, क्लोरोफाइसी, ये ग्रीन एल्गी है, और नॉस्टॉक ग्रीन एल्गी नहीं है, ठीक है, तो इसमें एब्सेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पहले भी था ये क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट और फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस।
ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन, ये गलत है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये सही है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन और एक एग्जाम्पल लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग, है ना, एग से फर्टिलाइज नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके सो फ्रेंड, आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, और भी कुछ आप लोग चाहते हैं कि हम क्या पढ़ाएं तो बताइए कमेंट में, ठीक है, सो दैट हमको भी लगे कि आप लोग क्या चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट, ओके, तो इसी तरह से जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।